तो विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पर्यावरण संरक्षण मंच द्वारा आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में मौजूद है चर्चा करने के लिए कि आखिरकार जो लॉकडाउन लगा उसमें पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या स्थिति रही। सबसे पहले मैं हमारे पैनलिस्ट का स्वागत करना चाहूंगा। उससे पहले मैं चाहूंगा कि सभी राकेश भास्कर जी जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं वो दीप प्रज्वलन कर इस चर्चा की शुरुआत करें और दीप प्रज्वलित कर चर्चा को आगे बढ़ाएं। नमस्कार दीप प्रज्वलित कर इस चर्चा को शुरुआत करने के लिए डॉक्टर राकेश भास्कर जी और कुमार गणेशम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी जो हमारे मेहमान जुड़ने वाले हैं, जो जुड़ चुके हैं, उनसे एक बार मैं परिचय करवाना चाहता हूं आप सभी से। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं डॉक्टर राकेश भास्कर जो पर्यावरण संरक्षण मंच के अध्यक्ष हैं और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे प्रदीप भैया जी महाराज जो प्रसिद्ध कथावाचक हैं और एक पर्यावरण प्रेमी भी हैं। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जो एक विक्रम रामवीर तंवर जी हैं जो तालाब के लिए काम करते हैं, पॉन्ड मैन हैं, सुनील पर्यावरणविद भी हैं। हमारे साथ अरुण कुमार जी जुड़ने वाले हैं जो मशहूर पर्यावरणविद हैं। साथ में मुख्य अतिथि के तौर पर कुछ समय में हमारे साथ जुड़ने समीर उराव भी जुड़ेंगे जो राज्यसभा सांसद जी हैं और साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष एसटी मोर्चा बीजेपी से हैं। कुमार गणेशम जी हैं जो माई होम इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे श्री इंदर इंदर कोचर जी, इंद्र सिंह कोचर, राम इंद्र सिंह कोचर जी जो उद्योगपति हैं, रिसाइकलिंग उद्योग से जुड़े हुए हैं। तो ये रहे हमारे मेहमान और जो हमारा आज का टॉपिक है चर्चा जो जिस पर हम करने वाले हैं वो है लॉकडाउन में पर्यावरण की स्थिति। आगे की पूरी चर्चा आप अध्यक्षता इस कार्यक्रम की करने वाले हैं डॉक्टर राकेश जी। मैं उनको कार्यक्रम आगे बढ़ाने की अनुमति लेता हूँ। डॉक्टर राकेश धन्यवाद जी अविनाश, आपने विषय वस्तु पर प्रकाश डाला कि पर्यावरण में लॉकडाउन में पर्यावरण की स्थिति। तो हम चाहेंगे कि कुमार गणेशन जी इस पर प्रकाश डालें। कुमार गणेशन जी, धन्यवाद। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूंगा पर्यावरण संरक्षण मंच का, राकेश भास्कर जी का, जिन्होंने इस पावन अवसर पर मुझे इस पवित्र मंच पर आमंत्रित किया। आज का जो हमारा विषय है वह सिर्फ गंभीर ही नहीं बल्कि आत्मचिंतन करने वाला भी विषय है। हमसे यह विषय हमेशा एक सवाल पूछता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ तो हर दिन हमें कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज मिलता था कि आज बरसों बाद ये पंछी देखी, आज आसमान में बहुत सारे तारे दिखे, आसमान साफ दिखा, हिमालय की चोटी दिखी, चीन की दीवार कहीं दूर दराज के इलाके से दिखी। ऐसे खबर हमें रोज सुनने को मिलते थे। उस दौरान हमारे देश भर में प्रदूषण काफी कम हुआ। पिछले वर्ष गंगा यमुना के पानी की अगर बात करें हम लोग तो वह लॉकडाउन के दौरान वह उसमें अपने आप स्वच्छता आई, जबकि सरकार कितने सालों से काम कर रही थी वह स्वच्छता उस लेवल तक नहीं आई थी जितना लॉकडाउन में आया। यह उदाहरण मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं कि यह एक उदाहरण है बल्कि ये सही मायने में हमारे लिए एक सवाल है कि हम आखिर जा किस दिशा में रहे हैं। मेरा यह बिल्कुल नहीं कहना है कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज से समझौता करें, लेकिन हाँ आज के दौर में हम लोगों को एक सस्टेनेबल मोड में जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है।
और बहुत सारे कल्चर्स हम लोगों को लॉकडाउन ने सिखाए हैं, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम हो गया, जिससे कि फ्यूल डिपेंडेंसी कम होती है, या फिर और भी अन्य अन्य उपाय हैं जो हम लोगों ने अपने जीवन में संलग्न किया कि हम लोग ऐसे भी जिंदगी जी सकते हैं, अपने काम को कर सकते हैं, अपने जीने का सलीका बना सकते हैं, और जिस और हम लोगों को जानना चाहिए। लॉकडाउन में हमें साफ हवा मिली, लॉकडाउन में फॉसिल फ्यूल के द्वारा जो CO2 एमिशन है वह काफी हद तक कम हुआ। अगर वाटर क्वालिटी की बात करें तो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट था हमारे पूरे ये नदियों में जाता था, देश के लगभग सभी नदियां बहुत ही स्वच्छ जल थी और गंगा यमुना का पानी पीने योग्य हो गया था, जो जिसमें कोई फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। अन्य अन्य नदियों में जिसमें कभी फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं थी, वो सारी नदियों का पानी बिल्कुल पीने योग्य हो गया। तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों के लिए ना सिर्फ एक उदाहरण है बल्कि एक चेतावनी भी है कि हम लोगों को किस हिसाब से हम लोग थे और कहां हम लोग अपने आप को ले आए हैं। हम लोगों को इस संकेत का सम्मान करना चाहिए, जहां तक मेरा मानना है। एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम के और हम लोगों को अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग अपने सस्टेनेबिलिटी पे, ये तो नहीं कह सकते हैं कि हम लोग डेवलपमेंट को रोकें, लेकिन हाँ डेवलपमेंट को इस तरीके से जरूर कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट की भी रक्षा हो और साथ साथ सस्टेनेबिलिटी भी रहे, और हम लोग कम से कम पर्यावरण को नुकसान करें, पर्यावरण के फ्रेंडली हम लोग चीजों का इस्तेमाल करें, जैसे कि काफी सारे आजकल ईंट आती है जो राख से बनती है, या फिर वैसे कई सारी चीजें उपलब्ध है, कंक्रीट बिल्डिंग्स, कंक्रीट रिसाइकल, ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जो आज के समय में हो रहे हैं और जिसको हम लोग बढ़ावा बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सभी को एकत्रित होकर इन सभी विषयों के बारे में सोचना चाहिए। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा एक सपना रहा हुआ है और 2014 से लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इस विषय के बारे में चर्चा की है कि क्लीन एनर्जी हम लोग जिस दिन अपने व्यवहार में ले आएंगे, बहुत हद तक हम चर्चा कर रहे हैं, हम उस चीज के बारे में प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इंडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार बढ़ावा भी दे रही है, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इलेक्ट्रिक कार का। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अभी बहुत सारे प्रश्न हैं उन सब चीजों को के अप्लाई करने के बारे में, तो हम लोगों को उन सब चीजों को अब एफिशिएंट तरीके से सोचना होगा और हम लोगों को अपने एनवायरनमेंट को लेकर के सजग रूप से एक नए भारत का निर्माण करना होगा। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा आज के समय में, क्योंकि मेरे अभिभावक तुल्य अन्य भी वक्ता हैं जिनको मुझको खुद सुनने की जिज्ञासा है, तो मैं जल्दी ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अपने अभिभावक तुल्य बाकी जो हमारे वक्ता है उन लोगों को आगे निवेदन करता हूँ। राकेश जी, धन्यवाद। गणेशन जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही कि पर्यावरण की जो स्थिति है लॉकडाउन में बहुत ही अच्छा हुआ, पेड़ पहाड़ नदियां सब यही मनाते होंगे कि इसी तरह का वातावरण का निर्माण हमेशा के लिए रहे, ताकि मनुष्य द्वारा जो हम लोगों का दोहन शोषण किया जा रहा है वो कम से कम साल दो साल से ठीक स्थिति में चल रही है, और ये दोहन की स्थिति आज मनुष्य के ऊपर स्वयं भस्मासुर की तरह साबित हो गया। तो इस इन सब स्थिति को देखते हुए आपने अच्छी बातें कही, आपका प्रयास सराहनीय है, और इस कार्यक्रम का मकसद सिंबॉलिक कार्यक्रम है जिसमें हमारे अरुण जी हैं जो पर्यावरणविद हैं, और अरुण जी जो हैं वो पर्यावरणविद हैं, वो जुड़े हुए हैं हमारे कथावाचक और पर्यावरण प्रेमी भैया जी, प्रदीप भैया जी जुड़े हुए हैं, जो देवघर की बाबा विश्वनाथ की नगरी से हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ राम इंदर सिंह कोचर जी जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में। राम इंदर सिंह कोचर जी, राम इंदर सिंह कोचर,
आप एक उद्योग पति है और रिसाइकलिंग के मास्टर माने जाते हैं, और इन्होंने पिछले 12-13 साल से इंडस्ट्री रिसाइकलिंग उद्योग में अच्छा काम किया है, एशिया में इनका नाम है। मैं इनसे पहले लंदन में जॉब करते थे, फिर आकर इन्होंने एक रिसाइकलिंग उद्योग का यहाँ शुरुआत किया और आज एशिया में इनका नाम माना जाता है। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि आप लॉकडाउन में पर्यावरण की स्थिति और इस विषय से थोड़ा हट के, आपको किसी तरह की परेशानी है वो भी, या कुछ सफलतम प्रयोग उसके बारे में भी आप हम लोगों को मार्गदर्शन करें। राम इंदर सिंह कोचर। नमस्ते भाई साहब। लॉकडाउन के अंदर थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आई थी भाई साहब, लेकिन उसके अंदर ज्यादातर हमने जो है सैनिटाइजेशन और प्रिकॉशंस पे ध्यान रखते हुए फैक्ट्री को चालू रखा, फैक्ट्री को बंद नहीं किया हमने, एंड रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट दोनों ही हमने पूरे स्केल पे कोशिश किया कि फुल प्रोडक्शन ही चलती रहे दोनों के अंदर। प्रिकॉशन और सैनिटाइजेशन जो है वो जरूर हमारा इस स्पेशल लॉकडाउन के अंदर दिक्कतें देखते हुए 4 गुना ज्यादा बढ़ा दिया था, एंड और मेडिकल इक्विपमेंट्स हमने काफी प्रोवाइड किए थे फैक्ट्री के अंदर, जिसकी वजह से कोई भी दिक्कत अगर आती है तो उनको इमीडिएटली वो मिल जाए, मेडिकल सुपरविजन उनको इमीडिएटली मिल जाए। कोरोना की जो मेडिकेशन थी वो भी हमने फैक्ट्री में मंगवा कर रखी थी, ताकि हमारा रिसाइकलिंग का काम, प्लास्टिक रिसाइकलिंग का और हमारा वेस्ट मैनेजमेंट का दोनों काम में कोई इंटरफेरेंस ना आए, कोई परेशानी ना हो। तो उसके लिए दवाइयाँ, मेडिकल इक्विपमेंट और बाकी सब चीजें ऑन साइट हमने रेडी रखा था, ताकि हमारी फैक्ट्री और किसी भी लोगों में किसी को कोई दिक्कत ना आए। फैक्ट्री को जो है सुपरविजन हमने बढ़ा दिया था, एंड मेडिकल इक्विपमेंट हमने काफी प्रोवाइड कर दिया था, तो उसकी वजह से लॉकडाउन हम झेल चुके हैं। और रिसाइकलिंग का काम और वेस्ट मैनेजमेंट का काम, पूरा आगरा शहर हमारे पास 25 साल के लिए है, वहां पर भी वेस्ट मैनेजमेंट का काम चलता है। दिल्ली शहर के अंदर तकरीबन 90 प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास जिसमें हम वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, नेशन वाइड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से है, एंड दोनों जगह मेडिकल इक्विपमेंट और सुपरविजन और सैनिटाइजेशन, ये 3 चीजों से हमने कंट्रोल करके ये लॉकडाउन के अंदर पूरा वो किया, कोशिश किया कि कोई भी शॉर्टफॉल ना आ सके। अच्छा सर, एक सवाल मेरे दिमाग में था कि क्या पहले की अपेक्षा प्लास्टिक, जैसे कि आप प्लास्टिक रिसाइकलिंग का उद्योग बहुत बड़ा करते हैं, क्या पहले की अपेक्षा प्लास्टिक का रिसाइकलिंग कम हुआ है या उद्योग बढ़ा है? लेबर के थोड़ी सी इश्यूज की वजह से मार्केट के अंदर कलेक्शन थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन आउटपुट कम हुआ है, लेकिन क्योंकि हमारे अपना कलेक्शन मैकेनिज्म है इसलिए उसका इम्पैक्ट हमारे को इतना ज्यादा नहीं आया, मगर ओवरऑल कंपनीज को काफी इम्पैक्ट हुआ है उससे, क्योंकि एक तो लेबर शॉर्टेज है, उसकी वजह से लेबर शॉर्टेज की वजह से कलेक्शन भी कम हुआ है मार्केट के। जैसे जैसे ये लॉकडाउन खुलेगा ये कलेक्शन और बढ़ेगा, आई थिंक प्रोडक्शन सब फैक्ट्रियों की दोबारा वापस आ जाएगी। जी राकेश सर, और आप कुछ पूछ रहे तो पूछिए सरकार। मैं यही पूछ रहा था कि लॉकडाउन में स्थितियों में प्लास्टिक पोल्यूशन कलेक्शन बढ़ा या घटा, तो जैसे कि पता है कि कुछ मजदूरों की वजह से अभी इस वक्त कुछ कमी आई है कलेक्शन में। ज्यादातर हॉस्पिटल वेस्ट जो है वो लैंडफिल्स की तरफ ज्यादा गया है, एंड उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वेस्ट के क्वांटम तो बढ़ता ही जा रहा था और लेबर शॉर्टेज की वजह से कलेक्शन थोड़ी सी शॉर्ट रही है। तो उस वक्त जब रिसाइकलिंग के लिए जाना चाहिए था वो सारा मटेरियल, वो लैंडफिल में हमारे को जबरदस्ती वहां तक जाना पड़ा, या वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी बंद हुए पड़े थे अभी पीछे, तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कतें तो आई। जी जी चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई राम सिंह कोचर जी, आपने लॉकडाउन में, हाँ राम इंदर सिंह कोचर जी सॉरी, आपने लॉकडाउन के इस पीरियड में मजदूरों पर ध्यान दिया, प्रयास किया कि सर मजदूर के भी घर किसी तरह से चले और अपना
फैक्ट्री को भी सही तरीके से यूटिलाइज किया, मतलब काम में लाए, और सैनिटाइजेशन या हॉस्पिटलिटी जो भी आपने दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम माननीय प्रदीप भैया जी से आग्रह करेंगे कि आपका विचार और आपका आशीर्वाद दोनों हम लोगों को प्राप्त हो। आदरणीय प्रदीप भैया जी, यार गाड़ियां तो आपको जानी है, नॉट सो। मैं सोच रहा था फैसले क्या, चलो कोई ठीक। और हाँ जी प्रदीप भैया जी, सुन पा रहे हैं? जय जय जी जी जी। सबसे पहले तो मेरे अति आत्मीय और जिन्होंने अपने पूरे जीवन को समाज के लिए, योग के लिए, पर्यावरण के लिए और दीन दुखियों के आंखों के आंसुओं को पोंछने में लगाया है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर राकेश भास्कर जी को, जिन्होंने देश भर में पर्यावरण संरक्षण के विषय पर लगातार मैं जब से उनको जान रहा हूं तब से वो कोई ना कोई कार्यक्रम, सेमिनार, संगोष्ठी और वृक्षारोपण का कार्यक्रम, जल संवर्धन और संवर्धन का कार्यक्रम करते ही रहते। मुझे स्मरण है संभवतः 2 वर्षों पूर्व दिल्ली में एक बहुत भव्य और दिव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, शायद आज का ही दिन रहा होगा, और जिसमें इस देश के वे सारे नाम जिनको हम पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से जानते हैं और दुनिया जिनको मानती है, तो सब आदरणीय राकेश जी के कारण एक मंच पर उपस्थित हुए। ये मेरा सौभाग्य था कि उस कार्यक्रम में भाग लेने का सुअवसर मुझे भी प्राप्त हुआ, और इसलिए आज जब आदरणीय गणेशन जी ने यह सूचना दी कि आज विश्व जब पर्यावरण दिवस मना रहा है, तो वे सभी संस्थाएं जो डॉक्टर राकेश भास्कर जी के श्रम से, सोच से और साधन से चल रही हैं, जिसका मूल पर्यावरण है, उसमें से एक वो आज इस वायवीय माध्यम से समाज जीवन के कुछ अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों को एक मंच पर लाए, और इसके माध्यम से हम कोरोना काल और पर्यावरण इस विषय पर आपस में थोड़ी बातचीत कर सके। ये जो कोरोना काल है ये वास्तव में पर्यावरण की दुर्गति करने के कारण ही आया है। पर्यावरण है क्या? पर्यावरण चार पौधों को रोप देने का नाम नहीं है। पर्यावरण अपने घर के पास के तालाब की छठ पर्व के अवसर पर साफ सफाई कर देने का नाम पर्यावरण नहीं है। बाबा तुलसी की पंक्तियों को याद करें, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। आकाश तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व, इन 5 को मिलाकर ही हमारा ये अधम शरीर बना है। और मैं जितना दूसरी लहर तक के इस पवित्र कोरोना काल को समझ पाया हूं, जो कोई भी इन 5 तत्वों के साथ रहा, भूमि के साथ रहा, स्वच्छ वायु के साथ रहा, जिसके जीवन में बारिश की बूंदों का स्थान रहा है, जिसके जीवन में सूरज की तपन का
उस अग्नि का स्थान रहा है, ऐसे सब लोग लगभग लगभग सुरक्षित रहे, या उनके साथ कुछ हुआ भी तो थोड़ी ऊंच नीच के बाद इन पांचों तत्वों ने उनको बचा लिया और आज वो समाज जीवन में सांसें ले पा रहे हैं। और जो भी इन पांच तत्वों में से थोड़े दूर रहे, उनके साथ इस कोरोना काल में जो विषय रखा गया है आज के इस कार्यक्रम के पर्यावरण पोस्ट के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में, कि कोरोना काल में पर्यावरण, कोरोना काल में पर्यावरण के महत्व को बतला दिया है। जिन्होंने जीवन में कभी गिलोय का नाम नहीं सुना था, ऐसे लोग भी एक दूसरे को व्हाट्सएप करके और गिलोय खोज रहे थे, काढ़ा पी रहे थे, भाप ले रहे थे, व्यायाम कर रहे थे। अभी 21 जून को योग दिवस आने वाला है। योग का अर्थ ही है जोड़ना। दुनिया के सैकड़ों देश उन्होंने मान्यता दी कि हाँ, हम योग दिवस को मनाएंगे। आज पूरी दुनिया जैसे पर्यावरण दिवस को मना रहे, हम जुड़े प्रकृति के साथ, हम जुड़े जल के साथ। और हमें गर्व है कि हमने जिस समाज में, जिस संस्कृति में जन्म लिया है, वो संस्कृति वास्तव में पर्यावरण के संरक्षण की ही संस्कृति है। मैं आज विचार कर रहा था, हमारे गांव में जब भी कोई विवाह होता है तो कुएं की पूजा की जाती है, बड़ की पूजा की जाती है, पीपल की पूजा की जाती है। अब आज के समय में बड़ी महंगी गाड़ियों से जाने वाले, भव्य आलीशान महलों में विवाह करने वाले लोगों को गांव में बड़ और पीपल पूजने की, कुआं पूजने की जरूरत क्या है? लेकिन गांव का व्यक्ति यह जानता था कि अब आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे, लेकिन आपके जीवन में जो कुआं का महत्व है, जो तालाब का महत्व है, जो पेड़ का महत्व है, वो आपकी दृष्टि में होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। अभी भी जो बच्चे रेत में खेलते हैं, और लगभग लगभग अधिकांश बच्चे भारत के बचपन में मिट्टी खाया करते और माँ उनको डांटा करती है, ये जो मिट्टी के साथ रहने का, ये जो बारिश की पहली बूंद जब गिरती है जमीन पर और उठती है सोंधी सी महक, वो है पर्यावरण। हमने लगातार अपने बंद कमरों में शीशों को बंद करके, दरवाजे बंद करके, खिड़कियां बंद करके, और 16 से 22 तक, 25 तक जब एसी को चलाया है, ऐसे लोग ही वेंटिलेटर खोज रहे थे। जिन्होंने स्वच्छ वातावरण में सांस ली है, और इसलिए आज इस पर्यावरण संरक्षण के दिवस के अवसर पर इस पर्यावरण पोस्ट के माध्यम से हम चार वृक्ष तो लगाए। अरे, अपना जीवन जो रहा है, कोई भी भारतीय सनातनी वैष्णव हिंदू परिवार अपने घर के चौके में जब भोजन तैयार करता था तो पहले भगवान को भोग लगाता था, और ऐसी मान्यता है कि उसमें जब तक तुलसी का पत्ता नहीं डाला जाएगा तब तक भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। और रोज रोज हम बगल वाले के यहां से तुलसी का पत्ता मांग नहीं सकते कि चाची जरा तुलसी दीजिए, फुआ जरा तुलसी दीजिए, तो परिणाम अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना पड़ेगा। और चूंकि तुलसी का पौधा, किसी दिन हम उसमें पानी दे, किसी दिन भूल जाएं, अब क्या करें, तो अब ये करना होगा कि तुलसी जी का विवाह सालिग्राम जी से करवाना होगा, और तुलसी जी के उस गमले में एक सालिग्राम रखना पड़ेगा, और सालिग्राम को प्रतिदिन स्नान कराना है। तो वह जो सालिग्राम को स्नान कराएंगे वो तुलसी के पौधे में भी पानी जाएगा, और तुलसी का पौधा हरा भरा रहेगा, तुलसी के पत्ते मिलते रहेंगे। दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक विज्ञान तुलसी के पौधे से ज्यादा एंटीबायोटिक दुनिया में नहीं है, नहीं है, नहीं है। घर में कुछ होता था तो माँ कहती थी कि अब गाय को दूध और उससे निकला हुआ घी, वो पुराना अगर है तो छाती में मल दीजिए, खांसी ठीक हो जाएगी। गाय को बचाना, ये है पर्यावरण संरक्षण।
तालाब को बचाना, यह है पर्यावरण संरक्षण। योग को बचाना, यह है पर्यावरण संरक्षण। वृक्षों को बचाना, यह है पर्यावरण संरक्षण। शाकाहारी जीवन जीना, यह है पर्यावरण का संरक्षण। मैं नहीं जानता चमगादड़ के खाने से कोरोना आया है या छिपकली के खाने से आया है, वो तो शोध का विषय है। लेकिन इतनी इतनी चीजें ईश्वर में, और जिस समय जिस चीज की आवश्यकता है, जब गर्मी प्रकृति देती है उसी समय प्रकृति बेल और ककड़ी और खीरा भी देती है। जिस समय व्यक्ति को, जो धन्वंतरी ने कहा कि आप जब भ्रमण कर रहे हो और उस समय आपके शरीर में जो व्याधि उत्पन्न हो आप तय मानिए, अगर आप हिमाचल यात्रा करने गए हो और पेट गड़बड़ हो गया, इसका मतलब जिस स्थान पर गड़बड़ी हुई है उसी स्थान पर कोई ना कोई औषधि, कोई ना कोई पौधा उस बीमारी का अवश्य ही होगा। हमसे ज्यादा तो कुत्ते जानते हैं पर्यावरण के बारे में। आपने किसी कुत्ते को पारासीटामोल लेते हुए नहीं देखा होगा। अगर वो कुछ उल्टा पुल्टा खा लेता है तो वो जानता है कि मुझे कौन सी घास चबानी है और वोमिटिंग कर देता है और जो उल्टा पुल्टा वो खाता है बाहर निकल जाता है। इस पवित्र मंच के माध्यम से और आप सभी गरिमामय लोगों की उपस्थिति, मैं केवल एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी जो संस्कृति है सनातन हिंदू संस्कृति, उस संस्कृति ने, लोग तो हमको यही कहते थे ना कि ये लोग तो पत्थर की पूजा करने वाले लोग हैं, ये लोग तो, अरे हमने सांप तक को दूध पिलाने का पर्व अपनी संस्कृति में जोड़ा है। लेकिन जब से ही हमने इंटरनेट के माध्यम से आई हुई इस बाहरी चिंगारी को अपने घर की संस्कृति में आग लगाने का सुअवसर प्रदान किया, ये तो तलवार है और दोधारी है। हम चाहे तो इससे किसी की रक्षा भी कर सकते हैं और किसी की हत्या भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया जी महाराज, हमारे साथ आपको जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए पर्यावरण के इस विषय पर। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है भूगर्भ शास्त्री अरुण कुमार जी। अरुण कुमार जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे अपनी बात रखें और हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिरकार किस तरीके से पर्यावरण इंसान पर प्रभाव डाल रहा है और इंसान किस तरीके से पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। अरुण कुमार जी, पर्यावरण संरक्षण मंच द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों का को मेरा नमस्कार। माननीय राकेश भास्कर जी, प्रदीप भैया जी, गणेशन जी, आप सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर पूरे विश्व में कई संस्थाओं के द्वारा कई स्थानों पर पर्यावरण संरक्षण के विषय पर संगोष्ठी, सेमिनार, विचार कार्यक्रमों, वृक्षारोपण, अनेकों प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आपने इस अवसर पर जो विषय पर्यावरण संरक्षण मंच ने जो विषय चुना है, कल जब मेरी राकेश भास्कर जी से चर्चा बात हो रही थी कि हम कोरोना काल में पर्यावरण की स्थिति पर चर्चा करना चाहते हैं, कोरोना में पर्यावरण की स्थिति लगा देंगे, तो उन्होंने कहा कि यह विषय भैया कैसा है, तो मैं एक मिनट के लिए सोचा और फिर मैंने कहा कि नहीं, बहुत अच्छा विषय है। और अब मैं विस्तार से इसलिए कह रहा हूं आपको कि यह विषय राकेश भास्कर जी ने जिस सोच के साथ भी चुना हो, लेकिन यह विषय ही पूर्ण सत्य है और इस विषय के सिवा कोई सत्य नहीं है पर्यावरण के संदर्भ में। इसे मैं थोड़ी सी विस्तार पूर्वक इसलिए तरह से कहना चाहता हूं। मैं
मूल रूप से भू वैज्ञानिक हूँ, उस विज्ञान के उस संकाय का विद्यार्थी हूँ जो पृथ्वी की उत्पत्ति के से लेकर इस धरती पर प्रत्येक जीव जंतु मानव वायुमंडल सभी की उत्पत्तियों से पूरी तरह अवगत है, जिसके सिग्नेचर का अध्ययन कर हम सब जानते हैं कि कैसे हमारा वायुमंडल का निर्माण हुआ, कैसे मानव सभ्यता इस पर विकसित हुई, कैसे मानव का प्रादुर्भाव हुआ, कैसे जीव जंतुओं का प्रादुर्भाव हुआ। तो इस परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि हम इस धरती पर जो मानव की यात्रा है उसको हम तीन भाग में बेसिकली बांट सकते हैं। एक भाग वह रहा हमारे मानव जीवन का, जब हम कह सकते हैं कि मानव प्रकृति के गोद में था, ह्यूमन वाज इन द लैप ऑफ द एनवायरमेंट, और हम प्रकृति के गोद में रहते थे, हम नग्न अवस्था में रहते थे, जंगलों में रहते थे, जंगल में उपस्थित चीजों को खाते थे और सारा जीवन हमारा प्रकृति से लेकर के प्रकृति की गोद में जीते थे। वो एक दौर था, उस दौर को हम यह कहते हैं कि हम प्रकृति के गोद में थे, मैन इन द लैप ऑफ एनवायरमेंट। दूसरा जब काल आया, मैं अब इतिहास को बहुत आगे बढ़ा करके आपसे बात करता हूँ, जब जिस जैसे मनुष्य ने अपने आप को ज्ञानी समझने की गलती की और जैसे अपने को ज्ञान से भरपूर पाने पाया तो ये अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाता गया और एक इंडस्ट्रियल दौर आया पूरे विश्व में, जिस दौर को हम कहते हैं कि मैन एंड एनवायरमेंट। आदमी यह सोचता था कि पर्यावरण से पर्यावरण कोई चीज होगी, हम मानव हैं, हम सबसे विकसित एनिमल हैं और हमें जो विकास करने की जरूरत होगी, जो आवश्यकताएं होगी, उसके लिए हम उद्योग लगाएंगे और जितना चाहें उतना उद्योग लगाएंगे, जितना चाहें उद्योग के माध्यम से हम विकास करेंगे, अपने सुख सुविधा की चीजों को जनरेट करेंगे और वेस्ट को, उस इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम प्रकृति हम पृथ्वी पर फेंक देंगे, हमको पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं है, हम सुपर इंटेलिजेंट महामानव हैं, हम जो चाहेंगे करेंगे। और उन्होंने खूब इंडस्ट्रियल विकास किया और उस गति को आज भी हम नहीं रोक पाए हैं, लेकिन उसके रोकने का काम खुद प्रकृति ने किया और प्रकृति ने कहा कि नहीं, तुम यदि नहीं रुकोगे तो मैं तुझे रोकूंगा। और तब हजारों तरह के प्राकृतिक आपदाएं आते रहती है। जिस दौर को आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, इस दौर को कहते हैं मैन वर्सेज एनवायरमेंट। अब ये तीसरा दौर जो चल रहा है, मैन वर्सेज एनवायरमेंट हम इस दौर को कहते हैं कि आदमी प्रकृति के विपरीत में काम कर रहा है, प्रकृति से लड़ रहा है, प्रकृति से लड़ करके जीतने की कोशिश करता है, लेकिन वो प्रकृति से जीत नहीं सकता। आप प्रकृति को संरक्षित करने का कार्य करके जीत सकेंगे, प्रकृति को ऐसा नहीं कर सकेंगे। आप प्रकृति को डैमेज ना करें। राकेश भास्कर जी इस बात से अवगत हैं, हम लोगों ने कई एक फोरम पर भी बात कही है कि चाहे दामोदर के संरक्षण की बात हो या गंगा के संरक्षण की बात हो या तालाब के संरक्षण की बात हो या पृथ्वी पर वन के संरक्षण की बात हो, आपको और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप केवल उसमें बाधक न बने, आप उसके रास्ते में नहीं आवे, आप कचड़े को नहीं उस डालें, आप उसके नदियों को बड़े बड़े बांधों से न रोकें, आप पेड़ों को काटे नहीं, प्रकृति अपना संरक्षण खुद करेगी। प्रकृति अपना, प्रकृति के गोद में तो आप थे, प्रकृति ने आपको जन्म दिया है,
आप प्रकृति को जन्म नहीं दिए हैं, प्रकृति अपना संरक्षण खुद करेगी। अब हम इस कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करते हुए आज दौर में आते हैं, जो आपने आज विषय रखा है कि कोरोना काल में एनवायरमेंट। आखिर यह सोचने का विषय है कि यह कोरोना आया क्यों, और बहस हो सकती है, बहस चल रही है, वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं कि यह वुहान वायरस से निकला हुआ वायरस, वुहान लेबोरेटरी से निकला हुआ वायरस है कि बेट मार्केट से और बेट एनिमल से आया हुआ यह वायरस है। आप एक बात मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि एक वायरस जहां से भी आया हो, उस वायरस से आप लड़ने की आपकी कोई टेक्नोलॉजी, कोई साइंस, कोई आपकी शक्ति कारगर नहीं हो पा रही है। तो आप याद रखेंगे कि जिस दिन पोलर रीजन से ग्लेशियर पिघलेगा, जिस तरह जब हिम सागर की पर्वतें परतें खुलेगी, और तब उस हिम सागर में दबे हुए हजारों हजार वायरस जब निकल करके आपके पर्यावरण में आएंगे, तब उसका आप सामना कैसे कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, क्या वैक्सीन खोज पाएंगे उतने वायरसों से लड़ने के लिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं खोज पाएंगे। तब हमें क्या करना है, ये कोरोना काल से सीख लेनी है कि हम पर्यावरण को यदि चाहते हैं कि पर्यावरण हमको कंफ्लिक्ट में हरा न दे और हमारा विनाश करके खत्म न कर दे, तो हम पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करना, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करना, पर्यावरण का अति दोहन करना बंद कर दें। वो साइलेंट किलर बन करके हमारे सामने जिस तरह से कोरोना में आया है, इसकी और कोई हजार गुना, लाखों गुना बड़े स्वरूप में आकर के हमारे लिए विनाश नहीं कर दे। ये कोई दो देशों की युद्ध नहीं है, ये दो विश्व की महाशक्तियों की युद्ध नहीं है जिसे आप मिसाइल बना करके जीत लेंगे। आप कोरोना के विरुद्ध में कोई मिसाइल आपका कारगर नहीं होगा, इसलिए कि जब वायरस अटैक करेगा, और वायरस अटैक इसलिए किया कि आपने वायरस को छेड़ा, आप प्रकृति को छेड़े, आप प्रकृति की संरचना को छेड़े, आप प्रकृति से उससे ज्यादा लेने लगे जहां तक आप आपको अपने जीवन के लिए लेना था। तो आज इस मंच से हम सबके लिए एक प्रण लेने की आवश्यकता है कि हम जिस स्तर पर हों, अपने घर के स्तर पर, हमारे आज के पैनल में एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और वो पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सबसे प्राथमिक आवश्यकता इस बात को है कि हर स्तर पर हम पर्यावरण को संरक्षित यदि रहना चाहते हैं, अपने को संरक्षित रखना चाहते हैं, तो पर्यावरण को कम से कम और न के बराबर नुकसान करें। ये तभी संभव है जब हम अपने आदतों को सुधारेंगे, हम अपनी जीवन शैली को सुधारेंगे, हम अपने इच्छाओं पर नियंत्रण रखेंगे और हम प्रकृति से उतना ही लेंगे जितना हमें लेने की, जितना हमको अपने जीवन के लिए आवश्यकता है। हम अपने ग्रीड पर कंट्रोल करेंगे, हम अपने नीड को केवल पूरा करेंगे, और तब उस महात्मा गांधी की उस युक्ति को भी पूरा होगा कि नेचर हैज एवरीथिंग टू मीट द नीड ऑफ द पीपल, नॉट द ग्रीड ऑफ द पीपल। आज हम उन सारे महानुभावों को सादर अपनी भावना प्रकट करते हैं, उनके प्रति आदर प्रकट करते हैं, जो अपने जगह पर पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक जागृति पैदा करने का कार्य कर रहे हैं, और राकेश भास्कर जी उसमें एक अग्रणी सोशल साइंटिस्ट हैं जो पर्यावरण के प्रति लोगों को जागृत करने का कार्य कर रहे हैं, पेड़ पौधे लगा करके पर्यावरण के महत्व को समझा कर पर्यावरण के बारे में लोगों को जागृत कर।
इन्हीं शब्दों के साथ पर्यावरण संरक्षण मंच को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए मैं अपने वाणी को बहुत तकनीकी रूपों में नहीं ले जाते हुए इतना ही कहूँगा कि आज के दिन हम इस दौर में एक अपने देश के बहुत ही चर्चित सुंदरलाल बहुगुणा जी को हमने खोया है कुछ दिन पहले, उनके उनके प्रण को याद करते हुए, उनके कर्मठता को याद करते हुए हम सभी उसी तरह से कर्मठ होकर के अपने अपने स्तरों पर पर्यावरण को बिगाड़ने का काज न करें, संरक्षित करने की बात तो छोड़ दें, केवल बिगाड़ने का काज न करें, उसमें इंटरफेरेंस का काम न करें, उनको मिनिमम डैमेज करें, पर्यावरण के प्रति हमारा संरक्षण सच्चा संरक्षण यही होगा। जय हिंद। धन्यवाद अरुण जी, आपने तो पर्यावरण के महत्व को व्यक्ति से लेकर पूरे समाज और पूरे विश्व की चरित्र चिंतन आपने किया कि व्यक्ति जब इस धरती पर आया तो उससे प्रकृति के गोद में प्रकृति ने उसको संरक्षण और संवर्धन किया, लेकिन हम उसी को भस्मासुर के रूप में आज साबित हो रहे हैं और हम उसका दोहन कर रहे हैं। लगातार दोहन का ही परिणाम है कि एक छोटा सा वायरस से आज हम उसके लिए हमको प्रकृति के संसाधनों की जरूरत पड़ी, हमको गुलेब का जरूरत पड़ा, हमको तुलसी का जरूरत पड़ा, जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उसका हमें जरूरत पड़ा, लेकिन फिर भी जिस विश्व में जिस वेंटिलेटर से काम नहीं चल रहा है, भगवान का दिया हुआ वेंटिलेटर जो है उसको हम ठीक रखें तो हमको एक कृत्रिम वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है। इस लिए पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से आपका ये उद्बोधन सार्गर्भित आदरणीय आदरणीय भास्कर जी, मैं एक मिनट की इजाजत और चाहूंगा आज के इस कार्यक्रम मंच के माध्यम से और आपके माध्यम से, खास करके आप यह कर सकते हैं, आप इस मंच के पर्यावरण संरक्षण मंच के तरफ से सरकार को एक मेमोरेंडम जरूर दें कि आर्थिक विकास के जो मापदंड हमने तय किया है, जो विकसित देश हमारे जीडीपी के लिए जो मापदंड तय करते हैं उसमें पर्यावरण के सभी पहलुओं को मापदंड में भी अंकित किया जाए कि यदि हमारी नदियां सुरक्षित है, हमारे नदियां स्वच्छ है, हमारे वृक्ष का कितना संख्या है, हमारी वृक्ष की संख्या में वृद्धि हुई है, फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन बढ़ा है, इन सभी मापदंडों को हम ग्रोथ के मापदंड में इंक्लूड करें और उसको जीडीपी में इंक्लूड करें कि इसका वैल्यू है, केवल हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को अपने जीडीपी का पैरामीटर न बनाएं, इस आशय का एक सार गर्भित जो है आप मेमोरेंडम सरकार को साथ समक्ष रखें ताकि आने वाले दिनों में इस मांग को जब आप लगातार रखते रहेंगे तो हमारा देश इस पर विचार करेगा, हमारे आर्थिक विशेषज्ञ, हमारे योजना नीति आयोग इस पर विचार करेगी और नीति आयोग के समक्ष आप रखें इस बात। जय हिंद। नहीं तो ये चलिए, आपकी इस बात से हम सहमत हैं और इस विचार को अभी की सरकार जो है बखूबी चाहती भी है कि इस तरह का इसी डेवलपमेंट जो हो पर्यावरण के हिसाब से हो, इसलिए कम से कम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे मंत्री जो है एनवायरमेंट के, उनको ये विषय से मैं अवगत कराऊंगा, नीति आयोग को भी अवगत कराऊंगा और जल्द ही कल तैयार करके परसों या तरसों हम प्रयास करेंगे ये मिल के पर्यावरण सेक्रेटरी को ज्ञापन सौंपे और सौंप के आपके विषय को जन तक पहुंचाने का काम हम करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अरुण जी। अब वो रामवीर जी हैं क्या जुड़े हुए? राम अभी इसे कार्यक्रम का अंतिम रूप देते हुए अपने अध्यक्षीय विषय को मैं आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण मंच
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, जिसको हम एक सिंबॉलिक रूप से पूरा वर्ल्ड मनाता है, आज हम भी मना रहे हैं। लेकिन जैसे अरुण जी ने कहा, राम जी, कोटर जी, गणेशन जी, जितने लोगों जुड़े हमसे, वो समीर जी, सब लोगों ने भी जो विषय रखा, जो कहा कि हम हमारी इस कार्यक्रम का उद्देश्य तभी सफल होगा जब हम पर्यावरण को संरक्षित करने में अपना योगदान देंगे। अगर हम पेड़ नहीं लगाएं और हम पर्यावरण दिवस मनाएं, तो ये मनाना मनाने का कोई औचित्य नहीं। इसलिए अगर हम इस दिवस मनाते हैं और सिंबॉलिक एक पेड़ तुलसी का, कोई भी पेड़ हम अगर लगा देते हैं, तो ये लगाना नहीं लगाना हुआ। इसके लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना है, लोगों को जागरूक बनाना है, पेड़ को कटने से बचाना है, तालाब को बचाना है, नदियों को बचाना है, पहाड़ों को बचाना है। इन सब दिशा में हमारा आपका दो चार घंटे का, 24 घंटे में से दो चार घंटा इसके लिए भी निकालें और निकालकर और इस कार्यक्रम को लगातार करते रहें, तभी तो ये दिवस मनाने का एक औचित्य बनता है, अन्यथा नहीं बनता है। मित्रों, आप सभी जो जुड़े हुए हैं कार्यक्रम के माध्यम से, या जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सब लोगों को नमस्कार करते हुए मैं अपने विषय को रखता, आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, इसके पीछे का जो उद्देश्य तो वही होता है कि लोगों को पर्यावरण और प्रदूषण से हो रहे नुकसान के प्रति जागरूकता करना। मैं इसी सवाल से अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं कि आखिरकार हमें पर्यावरण दिवस मनाना का औचित्य क्या है, क्या जरूरत पड़ी कि हम पर्यावरण दिवस मनाया जाए। ये तो पर्यावरण का लगातार हो रहा दोहा, धरती के साथ अत्याचार, प्रकृति के साथ हो रहा खिलवाड़, कि आज हमें विश्व पर्यावरण दिवस मनाने को मजबूर किया। भारत लगातार प्राकृतिक वातावरण को सुधारने के दिशा में लगातार प्रयास करते आ रहा है, लेकिन हमें भी उतनी सफलता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए। और मित्रों, बिना सरकार के प्रयास से हम इस सफलता को पूरा नहीं कर सकते हैं। इसमें हर व्यक्ति, एक एक व्यक्ति का उतना ही महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए जितनी सरकार से कहीं ज्यादा। सरकार एक पेड़ कहीं, सरकार हजारों पेड़ लगा देगी, लेकिन उसका देख रेख हम ही आपको करना। इसलिए मित्रों, अगर बात पूरे विश्व की तुलना की जाए, तो भारत प्राकृतिक पर्यावरण की तरफ काम, भारत प्राकृतिक पर्यावरण की तरफ काम किया जा रहा है, मतलब भारत में प्रकृति और पर्यावरण की तरफ काम किया जा रहा है। पर्यावरण के सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं भारत में भी बहुत, और अभी जो वर्तमान सरकार है, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार, वो बिल्कुल पर्यावरण के प्रति कृत संकल्पित है। स्वच्छता का पहला अभियान था उनका, जैसे ही उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला, तैसे ही स्वच्छता उनका अभियान था कि स्वच्छ भारत समृद्ध भारत। फिर उन्होंने पर्यावरण के प्रति कि लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, तालाब को, बाकी वनों को, सबको सुरक्षित रखें। तो इसलिए ये जो स्थिति पैदा हुई लॉकडाउन का, जो हम लोग विषय रखा हम लोगों लॉकडाउन में पर्यावरण की स्थिति, जैसा कि हमने लॉकडाउन के दौरान देखा कि कुछ महीनों की तालाबंदी के बाद ही हमारा वातावरण कितना स्वच्छ हो गया। आप खुद सोचे कि साल 7-8 महीना के लॉकडाउन में हमारा पूरा का पूरा वातावरण ठीक लगने लगा, हवाएं शुद्ध लगने लगी, नदियों का पानी साफ होने लगा, तालाब पानी शुद्ध, मनुष्य केवल अपने घर से निकलना बंद कर दिया, तो इतनी स्वच्छ वातावरण बन गई। पूरे हमारे वन हो या हमारे बाग बगीचों में रौनक आ गया,
क्या कारण था? इसका कारण हम स्वयं है, जो हमें जिंदा रखने का काम करता है हम उसी को मारने पर तुले हैं। तो स्वच्छ लगने लगा लॉकडाउन, फिर स्थिति बिगड़ गई। जैसे लॉकडाउन खुला फिर हमने उनका दोहन शोषण शुरू कर दिया, वो चाहे हम फैक्ट्री के माध्यम से हो, चाहे हम व्यक्तिगत माध्यम से हो, चाहे हम कोई सा माध्यम। प्रदूषण फैलने वाले कारकों की पहचान करना उन कड़ी पाबंदी लगता है, जैसे पेड़ों को लगाने की आवश्यकता है जो हमारे वातावरण से प्रदूषण को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि पेड़ जो है जिस ग्रहण करता है वो हम छोड़ते हैं तो ग्रहण करता है, और जो हम ग्रहण करते हैं वो छोड़ता है, जो वो छोड़ता है वो हम ग्रहण करते हैं। इसलिए दोनों का एक दूसरे से पूरक है। पेड़ नहीं रहे धरती पर तो मानव का जीवन रहना संभव नहीं है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो हम केवल इस रूप में नहीं बनाए कि एक पेड़ दस पुत्र समान, सिर्फ नारा दे देने से काम नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना जरूरी है। हमने तो सजावटी पेड़ों को लगाने की आवश्यकता दिखाने की आवश्यकता होती है कि हम सजावटी पेड़ लगाए, हम ये नहीं करते हैं। घर घर तुलसी, तुलसी का पौधा जरूरी क्यों है? हम घर घर तुलसी के नारा दे देने से केवल तुलसी नहीं लगता, हम अपने घर में 5-10 तुलसी का पेड़ लगाएंगे, उसके पत्ते का, उसके डंठल का, उससे निकलने वाले हवा का, सब हमारे लिए फायदेमंद है। तो हम उन पेड़ों को लगाएंगे, हम अपने आगे नीम का पेड़ लगाएंगे, हम बल पीपल कटहल, इसको पूजने से इसलिए जोड़ा गया था कि क्यों जोड़ा गया था कि वातावरण को शुद्ध करता है। हमने तुलसी का पेड़, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, इन सभी को अपने धर्मों से जोड़ा था। तो जोड़ने के पीछे पूर्वजों का यही आशय रहा होगा कि इन सब पेड़ों को हम बचाएं ताकि हम खुद बचे रहें। तो जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने मेरे लिए छोड़ के गए, उसी तरह से हम भी अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएं। जैसा कि आप जानते ही हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी आज अपने संबोधन में कहा कि इथेनॉल 21वीं सदी के भारत की बड़ी प्राथमिकताओं से जुड़ा गया है। इथेनॉल पर फोकस से पर्यावरण के साथ ही एक बेहतर प्रभाव किसानों के जीवन पर भी पड़ रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि 6 से 7 साल रिन्यूएबल एनर्जी की हमारी क्षमता 250% से भी अधिक की बढ़ोतरी हुई है, 250% से भी ज्यादा। इंडस्ट्रियल अधिक से अधिक बढ़ोतरी हुई है। अब इसमें दुनिया में आज 5 देशों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 6 साल में लगभग 15 गुना बढ़ा। ये हमने ये आंकड़ा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण देश में कई आपदाएं भी आ रही है, जैसा कि हमने देखा, अगर अरब सागर में उठा चक्रवर्ती कितना भयंकर था, और 2-3 दिन जिसमें मेरा झारखंड भी प्रभावित था, उड़ीसा और बंगाल भी प्रभावित था। ये स्थिति आप देख रहे हैं कि चक्रवात से हर कोई हैरान था। इतना ही नहीं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही ग्लेशियर पिघल रहे हैं। उनका एक नमूना पिछले दिनों उत्तराखंड में आपको देखने को मिला था, त्रासदी। हम जब उससे छेड़खानी करेंगे तो हमारे साथ जानलेवा छेड़खानी करेंगे। और हम वैसे विश्व पर्यावरण दिवस के इस बार को थीम रखी गई है कि वो है परिस्थिति तंत्र की बहाली। जब तक हम पर्यावरण के प्रति सचेत होकर और मिलकर नहीं काम करेंगे, तब तक हम पर्यावरण को फिर उस तरह नहीं बना पाएंगे जिस वातावरण में हमारे पूर्वज छोड़ के गए थे। तो हम सब साथ मिलकर, पूरा देश, पूरा विश्व इस जंग में एक साथ मिले, और हम तभी हराएंगे जब धरती को ठंडा करेंगे। धरती को ठंडा करने का एक ही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा आप पेड़ लगाए, चीजों को बचाएं, तालाब हो, वन हो, पहाड़ हो, नदियां हो, सबको दोहन मुक्त बनाएं, और हम अपने करें, लोगों में ईच वन टीच भावना जगाएं। केवल
इन तरह के कार्यक्रमों का तभी उद्देश्य सफल होगा। इन बातों को बोलते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त देता हूं और पर्यावरण के जितने दर्शक हैं सब लोगों को धन्यवाद देते हुए, नमस्कार करते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। तो इस तरीके से आज की चर्चा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी बात रखी और लोगों को, लोगों के प्रति, लोगों के सामने पर्यावरण के प्रति क्या जागरूकता होनी चाहिए, कैसे हम अपने इस वातावरण को बचा सकते हैं, इसके बारे में अपनी अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।